The students, question 12 from exercise 6.3. Question is, side AB and BC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to the side PQ and QR and median PM of triangle PQR. See figure 6.41. Show that triangle ABC similar to triangle PQR. The question आपकी बुक में लिखा है, फिगर नंबर या फिगर ये बनाओ। क्या गिवन में है, इंफॉर्मेशन क्या है? ये ABC एक ट्रायंगल है, PQR दूसरा ट्रायंगल है, इसकी साइड AB इसके साइड PQ के प्रोपोर्शनल है, BC QR के प्रोपोर्शनल है और मीडियन AD मीडियन PM के प्रोपोर्शनल है। मीडियन क्या होता है? इफ D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC देन AD इज कॉल्ड मीडियन। अगर D BC का मिड पॉइंट है तो AD मीडियन कहा जाएगा। सिमिलरली M इज मिड पॉइंट ऑफ QR देयरफॉर PM इज मीडियन। समझ गए? इसका मतलब ये साइड इसके बराबर है और ये साइड। तो गिवन में हमको ये भी लिखना पड़ेगा AD इज एंड PM आर मीडियंस, ठीक है? अब अलग अलग ट्रेंगल का, वो ट्रेंगल ABC का और ट्रेंगल PQR है मीडियन। तो प्रूफ में है कि दोनों ट्रेंगल को आप सिमिलर कीजिए। तो बेटा यहां पर अगर हम देखें ये AB PQ BC QR इतना केवल अगर आप ध्यान से दे तो अगर हम बड़े ट्रेंगल की बात करें जिसको हमको सिमिलर करना है, उसके दो साइड प्रोपोर्शनल तो ऑलरेडी दी है, AB अपॉन PQ BC अपॉन QR। लेकिन अगर आप B इक्वल टू Q प्रूफ कर लेते तो साइड एंगल साइड से सिमिलर हो सकता है कि नहीं? Yes, लेकिन ये चीज आपको पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा कि B और Q कैसे इक्वल हो। तो हम लोग उसकी तैयारी करेंगे कि B और Q को अगर इक्वल कर देते तो बाकी इन्फॉर्मेशन इतना इसमें से निकाल लेते, SCS से सिमिलर कर लेते। तो इन दोनों को सिमिलर करने के लिए, B और Q को सिमिलर करने के लिए हम लोग पहले इन दोनों ट्रायंगल को, ये जो दिख रहे हैं ना ये छोटे वाले ट्रायंगल, इनको पहले सिमिलर करेंगे और ये हम आसानी से सिमिलर कर सकते हैं। कैसे? ये जो हमको इन्फॉर्मेशन दी गई है AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AD अपॉन PM, इसको हम लिख लेते हैं। क्यों लिख लेते हैं? यूज कर सकते हैं क्योंकि हमको इन्फॉर्मेशन गिवन में है, ये तो क्वेश्चन में दिया गया कि ये प्रोपोर्शनल है। अब अगर आप ध्यान से देखें यू में राइट AB अपॉन PQ इक्वल टू BC, BC को आप कुछ और भी लिख सकते हैं क्योंकि D मिड पॉइंट है, तो BC को आप 2BD भी लिख सकते हैं, 2BD भी लिख सकते हैं, BD का दूना। और QR को क्या लिख सकते हैं? 2QM लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते इज इक्वल टू AD अपॉन PM। अब अगर ये क्वेश्चन को कैंसिल कर दो तो अब देखो आपको क्या मिला, रिजल्ट क्या मिला आपको, रिजल्ट मिला AB अपॉन PQ इक्वल टू AB अपॉन PQ इक्वल टू BD अपॉन QM इक्वल टू AD अपॉन PM। अच्छा अब इसी देखिए कौन है AB और PQ, AB अपॉन PQ BD अपॉन QM AD अपॉन PM। अब अगर ध्यान से देखें तो इन इस छोटे ट्रायंगल ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल PQM के तीनों साइड्स और वो प्रोपोर्शनल प्रूफ हो गए। तो अगर किसी दो ट्रायंगल के तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाए तो ट्रिपल एस सिमिलरिटी से दोनों सिमिलर नहीं हो जाते? Yes, तो आप फाइनली लिख सकते हो देयरफॉर ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल PQM by SSS सिमिलरिटी। ये आपका दूसरा ट्रायंगल सिमिलर हुई, आपको प्रूफ नहीं करना था लेकिन इसकी जरूरत थी। अच्छा सिमिलर होने से क्या फायदा हुआ? एंगल B इक्वल टू एंगल Q हो जाएगा, सो एंगल B इक्वल टू एंगल Q by CPST corresponding part of similar triangle, similar triangle के corresponding angles बराबर होते हैं, तो similar तो proof हो गया। तो भी अब उसके बाद आप finals पे आ जाइए, जो आपको proof करना है कौन सा है, in triangle ABC and triangle PQR। अब आप देखिए जरा
इसमें ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर, ये कहां से मिला आपको? ये आपको गिवन है, आपके सेक्शन में तीनों भाई हमको इतने की जरूरत है ना, तो दो साइड बड़े वाले ट्रेंगल के प्रोपोर्शनल दी गई है और उनको बनाने वाला एंगल जो है इसका एंगल बी है और इसका एंगल क्यू है, ये ऑलरेडी हम प्रूफ कर चुके हैं अभी जस्ट प्रूफ टेबल में, अभी प्रूफ कर चुके हैं यहाँ पर। तो क्या हुआ, अब दो साइड प्रोपोर्शनल, एक बीच का एंगल इक्वल एस ए एस से दोनों सिमिलर हो गए, एंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाय एस ए एस सिमिलैरिटी, ठीक है ना, इस तरीके से ये आपका प्रूफ हुआ क्यू ई डी, ठीक है ना, क्वाड इरेट डिमोन्स्ट्रेटम इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था, ठीक है।